ये है मेरा एयरटेल पेमेंट्स बैंक का फास्टैग, जो कि मैंने लगभग अभी एक महीने पहले ही इनकी माई एयरटेल ऐप से परचेज किया था, और अब मैं इस फास्टैग को कट करने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि एयरटेल के फास्टैग में बहुत सारी चमत्कारी खूबियां हैं, और मैं ठहरा एक नॉर्मल इंसान, मुझसे इसकी खूबियां बिल्कुल भी झेली नहीं जा रही। अब बात करते हैं इसकी खूबियों के बारे में, जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। खूबी नंबर वन, और नंबर वन ये इसलिए है क्योंकि नंबर वन होने लायक भी है, इस फास्टैग के थ्रू या एयरटेल के फास्टैग के थ्रू जब भी आप किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो सबसे चमत्कारी बात ये करेगा कि वहाँ काम ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं खूबी नंबर टू की, जब आप इसको NHAI की वेबसाइट पर सर्च करेंगे या इसकी जानकारी लेना चाहेंगे तो ये आपको इनएक्टिव या लो बैलेंस शो करेगा, जबकि आपके अकाउंट में फुल बैलेंस होगा जितना एक टोल को क्रॉस करने के लिए होता है। खूबी नंबर थ्री, जब आप इसकी कंप्लेंट एयरटेल को करना चाहेंगे और इनके कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो कम से कम आपका 2 घंटे बाद नंबर आएगा और कॉल कनेक्ट होगी। अब आते हैं खूबी नंबर 4 पर, जब आपकी कस्टमर केयर पे कॉल कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको बोला जाएगा कि सर अभी तो हमारा सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, कृपया आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लें। मतलब एयरटेल की नजरों में हर आदमी हर समय खाली बैठा रहता है। खूबी नंबर 5, अगर एयरटेल की गलती से या आपकी किस्मत से आपकी कॉलिंग के साथ कनेक्ट हो गई और आपकी बात भी हो गई, तब एयरटेल की तरफ से जवाब आएगा कि सर हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, पता नहीं कहां पर प्रॉब्लम है। अब इनसे कोई पूछे अगर सरकार की तरफ से प्रॉब्लम होगी तो सभी के साथ होगी, अकेले एक आदमी के साथ थोड़ी ना होगी। खूबियां तो इनकी और भी बहुत है, लेकिन कभी फुर्सत में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप एयरटेल का फास्टैग लेने की सोच रहे हैं या विचार बना रहे हैं तो एक बार इन खूबियों के बारे में सोच लीजिएगा, नजर डाल लीजिएगा। अगर आप इनको झेल सकते हैं तो लीजिएगा, वरना राम राम जी। Okay.